1977 में देश में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी चालू थी, सरकार लोगों के लंड काट के ले जा रही थी। पण बंबई अपनी तेजी से भाग रहा था, सबको काम मिलता था इधर। अब उनको ब्राह्मण का बेटा होने का फायदा मिला। शुक्ला सेठ हिंदू होटल, 8 रुपए का जनरल थाली, 12 रुपए का डिलक्स थाली। जल्दी देने। चावल में मीठा सोडा और दाल में नकली घी। गद्दे हाथ से चावल काहे परोस रहा है? ये हिंदू होटल है, हिंदू होटल। यहाँ लोग इसलिए नहीं आते ना कि खाना अच्छा मिलता है, इसलिए आते हैं कि यहाँ सब शुद्ध है, पवित्र। रसोई से लेके वेटर तक सब पंडित। धर्म ने पवित्र मथु ने सिखाया था कि कस्टमर की आंख में देखने का, लाल आंख नीचे काला मतलब मैंड्रिक्स लेगा। पता नहीं मैंड्रिक्स का नशा था या कोई जादू, शुक्ला सेठ अपुन को मारा, लेकिन अपुन को दर्द नहीं हुआ। साला रंडी की औलाद, बोला था ना इधर गलत काम नहीं चाहिए। तभी से लगता था कि अपन अश्वत्थामा है, कभी नहीं मरेगा। सेठ मेरे को अभी तक पगार नहीं मिला। एक तो काम होता नहीं है और पगार चाहिए। चल पहले 3 महीने और काम कर। 2 महीने का पगार है सेट, अभी तक नहीं मिलेगा। हिंदू होटल में जो एक हड्डी काम कर सकती है वो बड़े से बड़ा गुंडा ना कर पाए। अंग्रेजों के टाइम से तो चलता आ रहा था, मुसलमानों में लड़ाई करनी है तो मस्जिद में स्वर काट के फेंक दो, और मंदिर में दंगा फसाद कराना है तो गाय काट के फेंक दो, और कट्टर हिंदू हो तो हड्डी ही काफी है। होटल से अपन सीखा कि धर्म के नाम पे जनता का कितना चूतिया बनाया जा सकता है। और अभी बारी था और कुछ सीखने का, मत्थु के बॉस सलीम काका से मिलने का। सलीम काका अफगानी सांड, सोने की तस्करी का बादशाह और अपना दूसरा बाप। हो गया अब असली टिप्पणी।